हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू अर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस, आज आप लोगों के साथ मैं ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। किसी भी डे टाइम फंक्शन में आप इस तरह के लुक क्रिएट कर सकते हो। मैं रक्षाबंधन में ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना एंड वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस को मॉइस्चराइज करूँगी यूजिंग माय करंट फेवरेट मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे बायोटिक की मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। मैं ब्लू हेवन की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो। प्राइमर यूज़ करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी। इसीलिए सबसे पहले आई एरिया पे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी एंड इसीलिए स्विस ब्यूटी की कंसीलर पैलेट से मैं मेरी स्किन के अकॉर्डिंग कंसीलर चूज़ किया है एंड फिंगर की मदद से मैं आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश की मदद से भी आप कर सकते हो, कंसीलर हो या फिर फाउंडेशन। हमेशा टाइम लेके ब्लेंड करना है गाइस। मैं आज कोई भी ब्रश यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ फिंगर की मदद से ही मैं कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ग्लेस आई शेडो पैलेट से ये वाइट शेड को लेकर कंसीलर को मैं सेट करूँगी ब्रश की मदद से। उसके बाद एक ब्रश की मदद से मैं ये ब्राउन कलर शेड को लेकर मेरी आईब्रो को फिल करूँगी। आज मैं कोई भी आईब्राउ पेंसिल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ये ब्राउन आई शेडो की मदद से ही मैं आईब्राउज़ को फिल करूँगी एंड ब्रश की मदद से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद सेम पैलेट से ये पिंक कलर शेड को लेकर मैं क्रीज लाइन पे इसे अप्लाई करूँगी। आउटर कॉर्नर पे इसे प्लेस करूँगी एंड सर्कुलर मोशन पे इसे इनर कॉर्नर की तरफ मैं ब्लेंड करूँगी। उसके बाद एक फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से ब्लैक कलर आई शेडो को लेकर मैं आउटर कॉर्नर पे इसे प्लेस कर रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं विंग शेप दे रही हूँ। उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं ये आई शेडो को सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद गाइस, ब्लैक कलर थोड़ा सा फेड हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं एंड इसीलिए मैं और भी थोड़ा सा ब्लैक कलर लेकर आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी एंड सेम प्रोसेस में ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद ये बेबी पिंक कलर की जो शिमरी शेड है ना, इसको मैं फिंगर की मदद से लेकर मिडिल ऑफ द आईलिड इसे मैं प्लेस करूँगी एंड इनर कॉर्नर पे भी थोड़ा सा मैं इसे प्लेस करूँगी एंड फिंगर की मदद से ही मैं इसे ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट सेम ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट ये पिंक कलर आई शेडो को मैं एक ब्रश की मदद से लेकर इनर कॉर्नर पर इसे मैं प्लेस करूँगी क्योंकि ये कलर मेरे साड़ी के साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद सेम आई शेडो को मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। मैं ब्लू हेवन की ब्लैक आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं आज कोई भी विंग लाइनर ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ। मैं आज बहुत ही थिन लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। काजल के लिए मैं फेसेस कनाडा की ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ एंड काजल को मैं अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद एक स्माजा ब्रश की मदद से मैं काजल को स्माज कर रही हूँ आई शेडो के साथ। देखने में बहुत ही अच्छा लगते हैं एंड उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेबलिन की मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड मस्कारा को अपर एंड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं फॉल्स आई लैशेज अप्लाई किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब बारी आती है फेस मेकअप की एंड इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। मैं आज कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बीबी क्रीम को मैं हाथ की मदद से ही पूरी फेस में अप्लाई किया है जैसे कि आप देख रहे हैं एंड बीबी क्रीम को मैं फिंगर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी एंड कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी की कंसीलर एंड इसमें मेरा शेड है 25 मीडियम। कंसीलर को मैं आई एरिया पे, आई मीन अंडर आई एरिया पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड फेस में हाईएस्ट पॉइंट में मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस को हाईलाइट करने के लिए।
नेक पे भी थोड़ा सा मैं कंसीलर अप्लाई किया है एंड उसके बाद एक कंसीलर ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। एंड कंसीलर को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है गाइज, एंड टाइम लेके इसे ब्लेंड करना है, नहीं तो ये बहुत ही बुरा लगते हैं। आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी की लूज पाउडर। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, मेबलिन फिट मी की लूज पाउडर बहुत ही अच्छा है एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, बेस को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं। पूरी फेस में एंड नेक में जहाँ जहाँ पे मैं फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम अप्लाई किया था, सभी जगह पर मैं लूज पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की मदद से। नेक्स्ट ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट। वैसे मैं एक पिंक शेड को लेकर एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ एंड उसके बाद सेम पैलेट से ही मैं हाइलाइटर शेड को लेकर फिंगर की मदद से मैं फेस का हाइस्ट पॉइंट्स में अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि ब्राउ बोन्स, नोज पे एंड चीक बोन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा की एक न्यूड शेड। ये लुक के साथ न्यूड शेड आई थिंक अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने न्यूड शेड चूज़ किया है। आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो। तो ये है गाइस मेरी फाइनल लुक, सिर्फ एक ब्लैक कलर की बिंदी ऐड किया है एंड सिल्वर कलर की झुमका पहना है जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय।